दोस्तों, आज का टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी आप सभी छात्रों के, लोअर पीसीएस एग्जाम देने वाले छात्रों के। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये एक प्रैक्टिस सेट आप सभी छात्रों के लिए तैयार करवाई गई है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगी, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं और हर प्रैक्टिस सेट में 150 प्रश्न हैं। तो टोटल 1500 बहुमूल्य प्रश्न हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और साथ ही साथ 5 साल के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और कीमत मात्र ₹19 में ये आपकी टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप ले सकते हैं। लेने के इच्छुक हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही आपके लिए कह सकते हैं उपयोगी ये प्रश्नों का संकलन होगा, आप जरूर इसको बाय करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। थोड़ा लेवल हाई है और इस प्रकार से प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और आज 2 सितंबर हो गया है, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर का आपका पेपर है, तो एक महीने से कम का भी समय है। बिल्कुल जी जान लगा दीजिए हमारे साथ, डेली मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराता रहता हूँ। तो चलिए समय ना व्यतीत करते हैं ज़्यादा, पहला प्रश्न देखते हैं। 1782 में मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो पहले तो आप जान लीजिए कि सालबाई की संधि 1782 में मराठाओं और अंग्रेजों के मध्य में की गई थी, ठीक है, लेकिन किसके आग्रह पर की गई थी? तो यहाँ से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था सिंधिया, सिंधिया के आग्रह पर, ऑप्शन नंबर सी, सिंधिया, जो महादजी सिंधिया के आग्रह पर ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। और कितने आपने सही किए आप कमेंट जरूर करिएगा। निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखरेख करता था? तो आपको पता है कि शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान जो होते थे, इनमें से ये सभी थे, जिनमें से आपका राजस्व विभाग देखना कौन था? अमात्य देखता था, ठीक है। अगर हम पेशवा की बात करें तो पेशवा ये क्या होता था? प्रधानमंत्री का पद होता था, सबसे उच्च पद होता था। सचिव की बात करें तो यह सचिव क्या करता था? पत्र व्यवहार का कार्य करता था। और सुमंत भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सुमंत क्या था दोस्तों? ये विदेश मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री सुमंत को कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब है अमात, ठीक है, ये आपका क्या है? राजस्व विभाग की देखरेख करता था। चलिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं भाई। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं कितने छात्र इसका सही जवाब दे देते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पर देखिए, कलंदर, कलंदर इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाबर, ठीक है, बाबर को कलंदर कहा जाता था। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते भाई, यहाँ चलिए मिलान कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची एक को सूची से मिलान करना है। देखिए यहाँ पर ये जो बाबा फरीद हैं, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, मियाँ मीर शाह वलीउल्लाह, ठीक है, और ये किस संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम मिलान करते हैं। बाबा फरीद की बात करें तो ये क्या थे दोस्तों? चिश्तिया शाखा से, ठीक है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी सुहरावर्दिया शाखा, और मियाँ मीर कादिरिया शाखा से, और शाह वलीउल्लाह ये नक्श बंदिया शाखा से थे, तो ये मेल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या ऑप्शन बनाएगा? 2314, तो 2314 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये प्रश्न ना केवल आपके लोअर पीसीएस की बात करें तो पीसीएस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते भाई, गज सिकंदरी तथा गज इलाही मंत्र था। देखिए, गज सिकंदरी सिकंदर का था और गज इलाही ये अकबर, ठीक है, अकबर ने ये शुरू किया था। तो इसमें अगर हम बात करें गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर क्या था, तो अंतर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 39:41 और अकबर के समय में ये था, ये माप पैमाना था माप का, और उस समय एक बीघा बराबर 3600 वर्ग गज होता था, ठीक है, एक बीघा बराबर 3600 वर्ग गज के बराबर होता था, और ये इसका अंतर था 39:41, ठीक है। चलिए भाई छठा प्रश्न देख लेते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो आई थिंक इस प्रकार के प्रश्न आप सभी छात्रों के गलत होने ही नहीं चाहिए, जितने भी बौद्ध संगीति समिति हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सब आपको पता होना चाहिए, जवान पलटा होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? कालाशोक और वैशाली, ठीक है, वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीत समिति। चले निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखता किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो जो प्राचीन समय में जो यज्ञ होते थे, तो जो यज्ञ वेदियाँ बनाई जाती थी कि इसका अनुपात क्या होगा, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई होगी, ये क्या चीज़ें होंगी, तो इसका एक ग्रंथ था, उसमें वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्या है? सुल्व सूत्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। देखिए आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, खिदमती क्या है? प्राचीन काल में अगर हम बात करें, वहाँ अगर
तो ये देखिए इतिहास के संदर्भ में क्या है, ऑप्शन पढ़ लेता हूँ मैं। युद्ध से प्राप्त धन का 1/5 भाग, क्रय एवं विक्रय पर लगने वाला कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला गृह कर या पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। पराजित हिंदुओं से लिए जाने वाले कर को खिदमती कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था। तो ठीक है, अशोक को कश्मीर का संस्थापक माना जाता है और ये ग्रंथ है दोस्तों राजतरंगिणी, ठीक है, कल्लड़ की राजतरंगिणी। जैसा कि आप जानते हैं कश्मीर का इसमें वर्णन है, इस पर यह बताया गया श्रीनगर कश्मीर के संस्थापक अशोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दसवां क्या कर रहा है। 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। अहमदिया आंदोलन, तो जितने भी आंदोलन हुए हैं यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। 11वां देख लेते हैं, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ पॉलिटिक्स क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला वित्त आयोग दोस्तों जो गठित किया गया था वह था 1951 में, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, भाई अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। यहाँ भी ये चीज़ भी आपको जानना चाहिए। चलिए भाई, भारत संघ में कितने राज्य हैं, ये प्रश्न होना लाजमी इसलिए हो गया क्योंकि अभी आपने देखा धारा 370 और ये जो चीज़ें आर्टिकल जो ख़त्म किए गए कश्मीर से, तो कश्मीर को लेकर अब यहाँ पर भारत में राज्य और संघ शासित प्रदेशों संख्या में अंतर भी हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये प्रश्न लेकर आया हूँ, इस लेवल में ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो बना हुआ जो पारित हुआ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले कितने राज्य थे, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अब क्या हो गया, एक राज्य घट गया, जम्मू कश्मीर हो गया आपका भाई केंद्र शासित, एक चला गया। उसके बाद एक नया केंद्र शासित बनाया गया, क्या लद्दाख को बनाया गया। तो 7 और 8वां कश्मीर और 9वां लद्दाख माल, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो अब यहाँ पर जो संख्या हो गया 28 और 9 हो गया भाई, 28 आपके राज्य बचे और 9 केंद्र शासित बचे, ठीक है। तो यहाँ से ये सही जवाब बनेगा 28। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। अब यहाँ पर आपको बताना है अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया भाई, तो यहाँ पर कहा गया है राज्यों का संघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान हुई हैं तो उसमें वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है आर्टिकल 360 में क्या है भाई, वर्णन वित्तीय आपातकाल का, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है लोकसभा राज्यसभा की, तो उसमें कौन इसकी अध्यक्षता करते हैं भाई, यहाँ पर देखिए लोकसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो होती है, जो कैबिनेट होती है, वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए फिर अपना कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति होती है, ना कि प्रधानमंत्री के प्रति होती, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं आज के टेस्ट का। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ठीक है, संविधान जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान जो हमारा है विभिन्न देशों के स्रोतों से लिया प्रेरित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राज्यसभा में जो नामांकन का लिया गया है वह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आर्टिकल 80(1) के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए आपके ये नामित कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं उसको भी आपको देखना ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दोस्तों देखिए राज्यसभा में सीटों के जो बंटवारे की जो निर्धारण करती हैं वह आपका है यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची भाई। देखिए चौथी अनुसूची में ये चीज़ कहा गया राज्यसभा सीटों का बंटवारा, और बात करें अगर हम तीसरी अनुसूची की तो इसमें शपथ का प्रावधान है। पांचवी में आपका देखिए एससी एसटी के क्षेत्र का ये प्रशासन के बारे में है, और छठी अनुसूची की अगर हम बात करें तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में जो आपका क्षेत्रीय प्रशासन का है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथी अनुसूची सही हो।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर है प्रश्न नंबर 19, ठीक है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो दोस्तों कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा होती है वह संविधान की धारा 312 के अंतर्गत राज्यसभा में संकल्प पारित करके, ठीक है, राज्यसभा के द्वारा ही नई अखिल भारतीय सेवा का प्रारंभ होता है, ठीक है। इसमें राज्यसभा भूमिका निभाती है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं, ज्योग्राफी से आ जाते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? तो आप जानते हैं पृथ्वी की जो परतें होते हैं सियाल सीमानी फे, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा निकेल और लोहे की प्रचुरता दोस्तों पाई जाती है किसमें? नीफे में, ठीक है, नीफे में ये पाई जाती है। और नीफे का दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है निकेल और फेरियम, ठीक है, ये पृथ्वी का निचला है, सियाल सीमा फिर नीफे आता है निचला है, तो इसमें ये नीफे है, ठीक है। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भूदृश हिमनद से निर्मित नहीं होता? तो जितनी भू आकृतियाँ बनती हैं अपरदन से अपक्षय से, ठीक है, वायु के द्वारा उड़ा कर ले गई हवाओं से, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हिमनद से निर्मित नहीं होता है वह है आपका विसर्प, ठीक है। जो विसर्प की आकृति होती है दोस्तों वह होती है नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि हिमोड़ हो गया, यू आकार हो गया, फियोड़ हो गया, ये हिमनद के द्वारा बनती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 22वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जातियाँ पशुचारण का कार्य करती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न आपके जरूर बनते हैं। तो इसमें देखिए वो जाति है दोस्तों मसाई, और मसाई पूर्वी अफ्रीका केनिया ये इस क्षेत्र में है, और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, खेती कृषि है, पशुचारण से अपना जीवन भरण पोषण करते हैं। पीला रंग मझोला कद एपिकैंथिक फोल्ड वाली तिरछी आँख किसका अभिलक्षण है? और इनमें से मेनली जो है फेमस है तिरछी आँख, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाड, निग्रोइड, मंगोलियाड या कैनकोसाइड। यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब है वह है आपका मंगोलियाड, ठीक है। मंगोलियाड की एक विशेषता होती है कि इनकी जो आँखें होती हैं तिरछी होती हैं, रंग इनका पीला होता है, कद छोटा होता है, ठीक है। और यह जो पाई जाती है जनजातियाँ मध्य एवं पूर्वी एशिया में, ठीक है, विशेष रूप से इनका विस्तार है। चलिए भाई ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं, ट्रांस साइबेरियन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर देखिए सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है? तो ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग बार बार और निरंतर भाई किया जा सकता है उन्हें क्या कहेंगे? जैव होगा, अजैव होगा, अनवीकरणीय होगा या नवीकरणीय होगा? तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। 26वां देखते हैं भाई। चलिए यहाँ मिलान कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं स्थानीय पवन जिसको कहते हैं वो चलती है, जो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, वेस्टर्न इंडीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम आपका मिलान कर लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों क्या चलती है? विली विली, आपको पता होगा। चीन की अगर हम बात करें चीन में टाइफून होता है। फ्रांस में दोस्तों आपकी बात करें तो मिस्ट्रल चलती है। और लास्ट वेस्टर्न इंडीज मिला दीजिए प्रबंधन। तो यहाँ पर क्या बन गया भाई? 2-3-4-1, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन यहाँ पर देखिए 2-3-4-1, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए 27वां देखते हैं। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो ऐसा कौन सा प्रदेश होता है जिसमें पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से देखिए, भूमध्य सागरीय है, विषुवतीय, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण। सही जवाब है दोस्तों विषुवतीय, ठीक है। विषुवतीय यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, यहाँ पर पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं, साइंस से है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो मानव शरीर में अगर हम संक्रमण को रोकने के लिए ऐसा कौन सा विटामिन जो मददगार होता है? ऑप्शन देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, सी या डी। सही जवाब दोस्तों विटामिन ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 29वां देख लेते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो मानव त्वचा में को जो रंग देता है वर्णक वो कौन सा है? मेलानिन होगा, रेडोप्सिन होगा, आइडोप्सिन होगा या एंथ्रोसाइनिन होगा? सही जवाब है दोस्तों मेलानिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का। पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था? फाइव किंगडम की बात यहां पर हो रही है। तो ऑप्शन देखिए विटेकर, हैकल, लीनियस या कोपलैंड, क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सही जवाब है विटेकर। इन्होंने फाइव किंगडम का वर्गीकरण किया था जिसमें मोनेरा, प्रोटेसिया, ठीक है, प्लांटी, कवक, एनिमेलिया ये
जी ये थी 5 जगह इनका वर्गीकरण था। तो दोस्तों ये थे आज के टेस्ट का टॉप 30 और डेली मेरे चैनल पर रात को 9 बजे और दोपहर में 2 बजे ये आपको वीडियोस मिलती हैं, आज शाम को जीके की और दोपहर में हिंदी की और करंट के साथ साथ यूपी जीएस या जो भी स्पेशल होता है वहाँ पर आपको होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें और हर अभी तक जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए करें 60 से ऊपर की वीडियोज़ मैंने बना दी लोअर पीसेस के लिए, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप क्लिक करके पूरी वीडियोज़ वॉच करिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर वीडियो में 30 से 40-50 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सत्ता मिलता है, नेक्स्ट वीडियो में देखें, बहुत बहुत धन्यवाद।